राजनीति में आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। आरोप लगाने वाला कौन है, आरोप किस समय लगाया जा रहा है और आरोप का आधार क्या है, ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो सियासी माहौल को बदल देती हैं। यही हाल राजस्थान में है। आरोपों की गठरी सीएम अशोक गहलोत के सिर सचिन पायलट ने क्या ला दी, राजस्थान से लेकर दिल्ली दरबार तक हलचल मच गई। लड़ाई पार्टी के दो सिपाहियों के बीच ठन गई तो समर्थकों में भी दो फाड़ हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के अलावा तमाम बड़े कांग्रेस के चेहरे और गहलोत के कई कैबिनेट सहयोगी सीएम के पक्ष में बयानों के तीर चलाने लगे, लेकिन कमजोर सचिन पायलट भी नहीं पड़े। अपनी रणनीति और व्यक्तिगत रिश्तों के दम पर कई अहम चेहरों को अपने पक्ष में कर लिया। इतना ही नहीं, गहलोत कैबिनेट में कुछ मंत्री भी खुलकर या संतुलन बनाए रखते हुए पायलट के समर्थन में उतर चुके हैं। मंत्री महेश जोशी ने पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि कुछ जिम्मेदार लोग ही अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सूबे में एसीबी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की है। इधर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि 15 दिन के भीतर दिल्ली जाऊंगा और गहलोत पायलट का झगड़ा खत्म करवाऊंगा। साथ ही खाचरियावास ने दोनों नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार रिपीट करवानी है तो दोनों को अपना अहम छोड़ना होगा। खैर, सवाल इस बात का नहीं कि कौन किसके साथ खड़ा है, सवाल तो यह है कि चुनावों से पहले कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसका अंत कहां जाकर होगा। पायलट इसे विचारधारा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कहते हैं तो सीएम गहलोत और उनके साथी इसे सत्ता की चाहत में स्वार्थ की राजनीति करार दे रहे हैं और सियासी जानकार इसे चुनावों में कांग्रेस के नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। और तो और, मुख्य विपक्षी बीजेपी दूर से ही अपने हाथ सेक रही है, ये सोचकर कि जो हमें करना था वो अपने आप ही हो रहा है। क्षेत्रीय क्षत्रप के तौर पर दिखने वाले आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल गहलोत और वसुंधरा के बीच इसे नूरा कुश्ती बता रहे हैं। इधर कांग्रेस के तीनों सह प्रभारी पूरे सूबे का चक्कर लगाना शुरू कर चुके हैं ताकि स्पष्ट कर सके कि हवाओं का रुख आखिर है क्या। काजी निजामुद्दीन ने गहलोत को अच्छा प्रशासक बताया, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर बिजली के बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पर अवैध वसूली का आरोप मढ़ दिया है। बिजली पानी में अवैध लूट नहीं सहेगा राजस्थान, इसी नाम से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूबे की सरकार के सामने कई सवाल दाग दिए। चुनावी मौका देख आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तैयारी आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को राजस्थान बुलाने की हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी गहलोत सरकार पर खूब बरसे, पेट्रोल और डीजल महंगा बेचने का आरोप लगाते नजर आए। हालात देखते हुए फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अदावत विरोधी से हो तो कहानी दिलचस्प बनती है, लेकिन अपने ही मुकाबिल हो जाएं तो हालात अंतर्द्वंद वाले पैदा हो जाते हैं। लिहाजा पल पल बदलती सियासत में आगे क्या होगा, इसका इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान चौक।